सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री जी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। काफी लंबे समय से भारत चीन सीमा का विवाद चल रहा है। खबरें आई कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कई दौर की वार्ता चली और उसके बाद एक ऐसी घटना सामने आई जिससे पूरा देश आज आक्रोशित है। देश के लोगों के मन में गुस्सा है, कई तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार का जो रवैया रहा, केंद्र की सरकार का जो रवैया रहा, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कहा गया हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया हमारा कोई भी जवान चीन की सेना के कब्जे में नहीं है, चीन के कब्जे में नहीं है। और कल ये जानकारी मिली, और वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 10 हमारे जवानों को चीन से छुड़ाया गया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? ये देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आखिर किस कारण से हमारे जवानों को बंधक बनाए जाने की खबर आपने छुपाई? आखिर किस कारण से जवानों की शहादत पहले 3 बताई, फिर 20 बताई? आप देश को सच बताइए। पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गुस्से में है, और वो सच जानना चाहता है। इस वक्त हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उस जवानों के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। हम कोई राजनीति इस विषय पर नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा देश इस वक्त चाहता है कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। और भारत की सरकार बदला ले हमारे जवानों की शहादत का, पूरा देश चाहता है भारत की सरकार चीन से बदला ले। भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब दें चीन को। हमारी पार्टी और हम लोग इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं। पूरा देश सही जानकारी चाहता है, सही जानकारी दीजिए देश के सामने। 1 अप्रैल के पहले की स्थिति सीमा पर बहाल होनी चाहिए। कभी खबरें आती हैं 60 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया,
कभी कुछ खबरें आती हैं, कभी कुछ खबरें आती हैं। भारत माता की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी है, वो ये मांग करती है देश की सरकार से कि भारत की जो जमीन आज चीन के कब्जे में है, वो जमीन चीन से वापस ली जाए और 1 अप्रैल के पहले की स्थितियां बहाल की जाए। जो हमारा क्षेत्र था, जो भारत माता की धरती थी, उसको आजाद कराया जाए। इस पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना, मैं समझता हूं ये अपने आप में सरकार की सोच को उजागर करता है और वो किस प्रकार से किस दिशा में सोचते हैं ये पूरा देश देख रहा है। ये आप खुद चेक कर लीजिए ना, मैं तो आपको बता रहा हूं और आपके चैनलों ने ही चलाया है। ऐसी तमाम पार्टियां जिसके पास 5 सांसद नहीं है उनको भी बुलाया गया है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको बुला के कुछ गलत नहीं किया गया है, सबको बुलाना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या देश के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल नहीं है, या उनकी राय लेना भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी को जरूरी नहीं लगता है? मैं तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं। और ऐसे समय में भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसे समय में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप सिर्फ नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेना नहीं चाहते। तो आपको लगता है संजय जी राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल को दूर रखा जा रहा है? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय संकट का विषय है, ये कोई चुनाव की राजनीति नहीं है, ये कोई रैली सभा धरना प्रदर्शन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट का विषय है। देश की सीमा पर विवाद चल रहा है, हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, तो ये तो सरकार को तय करना चाहिए कि उसको सबको साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना है। धन्यवाद।